तो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट आप लोगों को पता होगा, जिसमें प्रोडक्ट को बाय करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा। तो कोई भी कंपनी है, उसमें आप पैसा लगा के उससे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। एक ये ऑनलाइन जरिया हो गया है, ठीक है। तो इसी का सबसे पहले मेन चीज़ होता है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में अगर समझ भी लेते हैं तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कि आप प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सके, पैसा को विड्रॉल कर सके और डिपॉजिट कर सके। उसके लिए अकाउंट आपको खोलाना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले आप लोगों को सबसे पहले एक अकाउंट खोलाना चाहिए, जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। आप आराम से ये कोई भी रिटेलर के पास, जहाँ पे सिम उम मिलता होगा एयरटेल का, वहाँ पे आप खोला सकते हैं। तो वैसा जगह पे जाके आप सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक खोल लीजिए। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक खोलने के बाद आप फोन पे, गूगल पे ये सब चला सकते हैं, पेटीएम सब चला सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि फोन पे कैसे बनाना है और गूगल पे कैसे बनाना है, ये सब चीज़ आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों को बस इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक सिर्फ आपके आधार कार्ड से खुल जाता है। अगर पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो उसको बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड को कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड से ही। खाली 18 प्लस होना चाहिए, आपका 18 साल से ऊपर रहेगा तभी आपका एयरटेल पेमेंट बैंक खुलेगा। तो इसलिए आराम से आप लोग खोल सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक और अच्छा खासा। और कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये नंबर है, आप लोगों को पता होगा, 8800688006। ये नंबर है कस्टमर केयर का, और वहाँ से आप अच्छा खासा कोई भी चीज़ का बातचीत करके आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को बहुत ही ऐसे ऐसे ही वीडियो मिलेगा,